मित्रों नमस्कार। मैं इंग्लिश ग्रामर के तहत आप लोगों को पार्ट सेवन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के चार पार्ट फोर पार्ट्स नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब का डेफिनेशन एग्जाम्पल सहित समझाया था। आज आपको पार्ट एट में शेष चार जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच आज समझाएंगे इस वीडियो में। यदि पार्ट सेवन की वीडियो आप न देखे हो तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। एडवर्ब जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे शब्द से ही आपको एहसास होगा हो रहा होगा पता चल रहा होगा कि क्रिया विशेषण क्या है, यानी क्रिया की विशेषता। हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे एन एडवर्ब इज ए वर्ड which which modifies a verb or एन एडजेक्टिव। एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाइज ए वर्ब आर एन एडजेक्टिव, अर्थात जो शब्द किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे राम तेज दौड़ता है, अब मित्रों वाक्य पर ध्यान दीजिए, एक एक चीज को पहचानिए। सबसे पहले आप ये पहचानेंगे कि इसमें वर्ब कौन है, क्रिया कौन है। तो क्रिया का मतलब, जैसे कि आपको समझाया था, क्रिया मतलब काम। इसमें काम क्या है, तो इसमें काम जो है
दौड़ना, दौड़ता, दौड़ता का मूल शब्द होता है दौड़ना। तो दौड़ना ये आपका क्या हो गया, व्याकरण से क्रिया। राम दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है, तो इसकी क्रिया की विशेषता जो है यह शब्द आपको बता रहा है। इसलिए यह शब्द जो है आपका क्रिया विशेषण कहलाया। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, राम रन्स फास्टली। फास्टली की जगह पर आप चाहें तो क्विकली भी कर सकते हैं। दोनों फास्टली भी यूज हो सकता है, क्विकली भी यूज हो सकता है। अब देखिए, अब तीनों शब्दों में आप पहचानिए कि वर्ब, सबसे पहले वर्ब क्या है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका शब्द जो है वर्ब है, ये आपका वर्ब हो गया। अब इस वर्ब की विशेषता, क्वालिटी कौन शब्द मॉडिफाइज करता है, तो ये शब्द है क्विकली। राम दौड़ता तो है, कैसे दौड़ता है, तो फास्टली। तो इसलिए ये क्विकली वर्ड जो है आपका एडवर्ब कहलाएगा। मित्रों, ये एडवर्ब के डेफिनेशन में मैं एक चीज आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा, ध्यान रखिए हमेशा, कि ये जो क्वालिटी शब्द है, विशेषता शब्द है, जब आप वर्ब का एडजेक्टिव का डेफिनेशन देंगे, जब आप एडजेक्टिव का डेफिनेशन देंगे तो उसके लिए आप जो है क्वालिटी शब्द का प्रयोग करेंगे। जबकि यदि एडवर्ब में योग्यता, क्वालिटी, गुण को जब विवेचना करेंगे, वर्णन करेंगे, तो उसमें आपको क्वालिटी शब्द नहीं लिखना, उसमें आपको मॉडिफाई शब्द को यूज करना। नोट आप समझ लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं। एडजेक्टिव के लिए क्वालिटी QUALITY और एडवर्ब के लिए मॉडिफाई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप एडवर्ब का डेफिनेशन उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट जो है, हाँ, तो मित्रों अब हम लो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले पार्ट प्रीपोजिशन के बारे में समझेंगे। प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए वर्ड विच पॉइंट्स
द रिलेशन ऑफ ए नाउन आर प्रोनाउन विद एनोदर नाउन आर प्रोनाउन, यानी दो संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं और उन दोनों संज्ञा सर्वनामों के बीच में जो शब्द संबंध स्थापित करता उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसको हिंदी में इस तरह से ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं कि जो शब्द किसी नाउन और प्रोनाउन, इसको हिंदी में संज्ञा सर्वनाम जानते हैं, जो शब्द किसी नाउन और प्रोनाउन का अन्य नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। यह किताब मेज पर है, मित्रों इस वाक्य को ध्यान से देखिए। किताब ये भी आपका नाउन हुआ और ये मेज ये भी आपका नाउन है। इन दोनों नाउन के बीच ये कौन सा शब्द है जो संबंध स्थापित कर रहा है? तो पर। किताब कहाँ है? तो मेज पर है, तो इसलिए ये पर शब्द जो है आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसको संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। अब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं इसको। दिस बुक इज ऑन द टेबल ध्यान दीजिए, दिस बुक बुक ये आपका नाउन है और ये टेबल भी नाउन है। इन दोनों के बीच संबंध कौन सा शब्द स्थापित कर रहा है? तो आन। इस तरह से ये आन शब्द हो गया आपका प्रीपोजिशन। तो मित्रों हमें आशा है कि आप प्रीपोजिशन का डेफिनेशन एग्जाम्पल सहित आप समझ गए होंगे। और बहुत ज़्यादा यदि हम उदाहरण देना शुरू करें तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें आपका समय और पैसा दोनों की बर्बादी होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चलते हैं। तो मित्रों अब हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। द वर्ड व्हिच ज्वाइंस द टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग होते हैं उन शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, मैं हिंदी पढ़ता हूं लेकिन तुम गणित पढ़ते हो। एक वाक्य है हिंदी पढ़ना, दूसरा वाक्य है गणित पढ़ना। मेरा हिंदी पढ़ना, तुम्हारा गणित पढ़ना। अब इन तो मैं हिंदी पढ़ता हूं और तुम गणित पढ़ते हो, ये दो वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को ज्वाइंट करने के लिए, एक बनाने के लिए, एक वाक्य बनाने के लिए इसमें देखिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। लेकिन, लेकिन, तो
इस तरह से ये लेकिन शब्द हो गया जो है आपका समुच्चय बोधक। अब इंग्लिश में हम लेते हैं, आई रीड हिंदी। आई रीड हिंदी माने आई मीन्स मैं, रीड मीन्स पढ़ना है, मैं हिंदी पढ़ता हूं। यू रीड मैथ, तुम जो है गणित पढ़ते हो। अब इन दोनों सेंटेंस को एक में ज्वाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बट। इस तरह से ये बट जो है आपका कंजक्शन वर्ड हो गया। अब लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पॉइंट, लास्ट पार्ट, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ तो मित्रों, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये अंतिम पार्ट है इंटरजेक्शन, इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक व्यय कहते हैं। द वर्ड्स विच शो द हैप्पी सारो आर इमोशंस आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। इसको हिंदी में इस तरह से डिफाइन करेंगे, हिंदी में इस तरह परिभाषित करेंगे कि जो शब्द सुख दुख, हर्ष विषाद, आश्चर्य, अट्टहास प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब इस परिभाषा को उदाहरण से हम समझें। जैसे अक्सर आपने सुना होगा, हे भगवान यह तूने क्या किया। तो यहां पर किसको संबोधित किया जा रहा है और ये भावना को जो है इस शब्द से इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए यह हे भगवान शब्द जो है आपका इंटरजेक्शन कहलाएगा। ओह गॉड व्हाट हैव यू डन, हे भगवान यह तूने क्या किया। ध्यान रहे, मैं आपको इंटरजेक्शन की पहचान का एक मूल मंत्र बताने जा रहा हूं जो हमेशा दिमाग में रखिए। यह इंटरजेक्शन का चिन्ह है, एक लाइन खींच दी जाती है और उसके नीचे ये बिंदी लगा होता है। जहां कहीं भी ऐसा लगा हो और आपसे कोई पूछे कि ये कैसा वर्ड है तो आपको, सेंटेंस है तो आपको ये बता देना चाहिए कि ये, इससे आपकी पहचान हो गई कि इंटरजेक्शन वर्ड है। यह जो सेंटेंस है इंटरजेक्शन से कनेक्ट करता है। तो मित्रों, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने समाप्त कर दिया। यदि इस वीडियो में कहीं भी आपको त्रुटि महसूस हो रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव देने के कृपा करें। अगले वीडियो में उसका शुद्धिकरण कर दिया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पूर्णतः पसंद है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में हम अब आप फिर और इसका विस्तार करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे आपने पढ़ा कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, अब हम फिर नाउन के विस्तार, नाउन में कितने पार्ट्स होते हैं, प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो अगले वीडियो में हम नाउन के पार्ट्स को लेकर आएंगे। धन्यवाद।